हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बड़ा पाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मुंबई का स्ट्रीट फूड है, ये इसको मैंने घर में बहुत ही आसानी से बनाया है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं सबसे पहले आलू को उबाल लेती हूँ। मैंने एक पतीले में एक कप लगभग बेसन ले लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डाल करके मैं इसका स्मूथली बैटर बना के तैयार कर लूँगी। बैटर जो है थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। मैंने बेसन को इस तरह से अच्छी तरह से घोल लिया है, इसमें भी एक भी लम्स नहीं है, ये बहुत ही स्मूथ हो चुका है। इस बेसन का घोल मेरा रेडी हो चुका है और मैं इधर एक पेन में एक टेबल स्पून ऑयल डाल के मैं सूखी चटनी के लिए ये लहसुन और सूखा नारियल जो होता है उसको मैं अच्छी तरह से रोस्ट कर लूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च, सूखी मिर्च जो होता है वो भी डाल दिया है। मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको मैं अच्छी तरह से ब्राउन कलर होने तक इसको रोस्ट कर लूँगी। मैंने इसको कुछ देर के लिए चला लिया था, आप देख सकते हो ये ब्राउन कलर का हो चुका है और मैं इसको निकाल लूँगी। उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल और डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल, और उसमें मैंने तड़के के लिए मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों का जो दाना होता है वो ले लिया है। मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया है और मैंने कड़ी पत्ता थोड़ा सा ऐड कर दिया है इसमें। इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें अदरक का पेस्ट एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक छोटा चम्मच ये हरी मिर्च मैंने कूट लिया था दरदरा सा, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के मैं इस मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। ये अच्छी तरह से ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। मैंने जो आलू उबाल के रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आलू को मैं इस तरह से अच्छी तरह से चला लूँगी, इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा आधा चम्मच लगभग काली मिर्च का पाउडर मैंने क्रश कर लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपके पास अगर हरा धनिया है तो आप ऐड कर सकते हो, उससे ज़्यादा और अच्छा बन जाएगा फ्लेवर। तो फ्रेंड्स, आलू मेरा फ्राई हो चुका है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैंने उसी कढ़ाई को साफ कर लिया है, उसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है बड़ों को तलने के लिए और इसको मैं अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी।
और मैं इधर आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो मैं ठंडा करके इसको छोटे छोटे बॉल बना लूँगी। इस आलू को मैंने थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दिया था, ठंडा हो चुका है, और इसको मैं हाथ में ले करके इस तरह से बॉल बना लूँगी छोटे छोटे। मैंने सारे बॉल तैयार कर लिए हैं और अब मैं उस बॉल को बेसन के बैटर में इस तरह से लपेट के मैं तेल में इस तरह से डाल दूँगी। ये देख सकते हो आप, मैंने इस तरह से बड़ो आलू को लेके बैटर में डाल के मैंने ऑयल में डाल दिया है इस तरह से, और इसको मैं फ्राई कर लूँगी लाइट ब्राउन कलर होने तक, अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, बड़ों को मैंने अच्छी तरह से तल लिया है, आप देख सकते हो लाइट ब्राउन कलर होने तक मैंने इसे तल लिया है, और मैं इसको निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे बड़ों को तल लूँगी। इस बड़ों को हाई फ्लेम पे ना तले, इसे मीडियम या लो फ्लेम पे ही तले, नहीं तो आलू जो है नीचे से लग जाएगा। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर करके अच्छी तरह से तल लिया है सारे बड़ों को। मैंने सारे बड़ों को इस तरह से तल लिया है, और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने जो चटनी पीसने के लिए, सूखी चटनी बनाने के लिए नारियल, लहसुन और सूखी मिर्ची का जो मैंने फ्राई करके रखा था, उसमें मैंने बेसन के कुछ गुलगुले बना के इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है। इसको मैं सूखी चटनी बनाऊँगी, मिक्सी में डाल करके पीस लूँगी। इधर मैंने उसी कढ़ाई तेल उड़ी उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल के उसको फ्राई कर लूँगी। ये बड़ों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से फ्राई करके मैं इसको निकाल लूँगी, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने एक तवा ले लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है। मैं इस बटर में जो है ब्रेड को थोड़ा थोड़ा सेक लूँगी। सेकने से इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। तो सारे पाव को मैं इस तरह से बटर में सेक लूँगी। सारे पाव को मैंने इस तरह से सेक लिए हैं, बटर डाल डाल के मैंने सारे पाव को अच्छी तरह से सेक लिया है। और आप देख सकते हो मैंने जो चटनी सूखी चटनी के लिए लिया था मैंने वो पीस लिया है। और अब मैंने पाव एक पाव ले लिया है, सेका हुआ पाव है, और इसके ऊपर मैं जो सूखी चटनी जो बना के रखी हूँ वो मैं इस तरह से डाल दूँगी। पाव को जो है मैंने इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। सूखी चटनी डालने के बाद मैं इसके अंदर एक बड़ा को डाल के इस तरह से इसके ऊपर से इस तरह से दबा दूंगी, और ये मेरा बड़ा पाव जो है रेडी हो चुका है। इस तरह से मैं सारे पाव को बड़ा डाल के सजा लूँगी, और ये मैंने मिर्ची फ्राई करके रखी थी
वो उसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितनी आसानी से मैंने इस बड़े पाव को घर में बनाया। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।